का डी दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा, चिरायु, अल्पायु या फिर नश्वर या क्षणिक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पायु, यानी कि दीर्घायु का विलोम शब्द हो जाएगा अल्पायु। यानी कि कहने का मतलब है जितने भी विलोम शब्द बता रहे हैं, अगर आपने इन विलोम शब्द के विलोम शब्द को अगर अच्छे से याद कर लीजिए कर लिए तो मेरा दावा है कि 111 विलोम शब्द के आगे कोई भी विलोम शब्द पूछा नहीं जा सकता यूपी पुलिस कांस्टेबल में। शायद पूछ लिए जाएँ, ये मेरा गैस है, शायद पूछ लिए जाएँ। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने विलोम शब्द हैं वो ये प्रीवियस ईयर में अन एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बृष्टि का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, समास, समवेत, समराष्टि या समस्त। आंसर हो जाएगा समष्टि। नेक्स्ट है, उपमेय की सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। पांचवा क्वेश्चन है कि जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, गुणा, भाग, घटाव, बाकी। सी हो जाएगा घटाव, यानी कि जोड़ का उपयुक्त जो विपरीत अर्थक शब्द होता है वो होता है घटाव। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, ए है वितृष्णा, बी है निष्प्रग्रह, संतुष्ट या पितृग्रह। क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। सातवां क्वेश्चन है कि निश्चित का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, निश्चित, विविध, उचित, निर्मित। आंसर होगा आपका विविध, सॉरी विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुव गोल, खगोल। आंसर हो जाएगा आपका डी, खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। आंसर होगा आपका प्रतियोगी। नेक्स्ट है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, अंगम, दुर्लभ, स्थावर, चंचल। आंसर होगा स्थावर, यानी कि जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। ग्यारहवां है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, वृषष्टि, प्रलय, वृष्टि, समराष्टि। क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रलय। नेक्स्ट है कि स्थिति का विलोम शब्द क्या होगा, चार ऑप्शन है आपके सामने, आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। समय आपको कम मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, कि तुक्का के चक्कर में पड़े ना बिल्कुल भी। जो भी क्वेश्चन आपको आए, जो भी आपको पता हो कि ये 100% राइट क्वेश्चन है, तो उसी पर ही आप टिक करें, तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं। आंसर हो जाएगा बी आपका, अनुशिस्ती। तेरहवा क्वेश्चन है कि साचर का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर होगा अलगाव। नेक्स्ट है विराट का विलोम शब्द क्या होगा, क्षुद्र। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, क्योंकि अगर जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, अगर आपको अगर आता होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पंद्रहवां क्वेश्चन है कि स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, विज्ञ। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहिरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग। आंसर हो जाएगा बी आपका। उन्नीसवां की ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा, काफी इजी है, मुक्त। नेक्स्ट है आहूत का विलोम शब्द क्या होगा, आहूत का विलोम शब्द होगा अनाहूत। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए अथ का हो जाएगा इति। नेक्स्ट है वादी का विलोम शब्द क्या होगा, वादी का होगा प्रतिवादी।
नेक्स्ट है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। नेक्स्ट है जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोच। नेक्स्ट है सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट। 28वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का मृत डी आंसर हो जाएगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का होगा अपकार। 30वां क्वेश्चन है कि अविभाव का शब्द का विलोम क्या होगा? अविभाव का, तो अविभाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुक्त। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सदय। नेक्स्ट है उन्मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? बी नमीलन। नेक्स्ट है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? बहुमुखी। नेक्स्ट है संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग। नेक्स्ट है राजा शब्द का विलोम क्या होगा? सी रंग, यानी कि राजा का विलोम शब्द होगा रंग। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पाताल। नेक्स्ट है सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्गुण। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट है कि अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन का विलोम होगा शकुन। नेक्स्ट है कि अथ का विलोम क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आसानी से आप लोग। तो अथ का विलोम होगा इति। नेक्स्ट है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? अज्ञ। 43वां कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? चौथा ऑप्शन है संक्षेप विस्तार विकीर्ण या विस्तीर्ण। क्या आंसर होगा 44वें का? विस्तीर्ण, यानी कि संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण। 45वां की अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरुक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति। नेक्स्ट है साक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है, साक्षेप का विलोम होगा निक्षेप। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है कि विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ए संधि। नेक्स्ट है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु का विलोम होगा असाधु। नेक्स्ट है संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वियोग। एक क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको ये पता लगाना है कि इसमें त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा है। ए है, बी है, सी है या डी है, ये आपको बताना है कमेंट्स के जरिए। समय मैं आपको दे रहा हूं। आंसर क्या हो सकता है? अनुग्रह आग्रह। नेक्स्ट है कि त्रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। त्रिजु का विलोम होगा जाएगा वक्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आंसर क्या होगा? स्लपायु चिरायु। नेक्स्ट है आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकलन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकलन।
आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। बताइए कमेंट्स जरिए क्या आंसर हो सकता है। आंसर हो जाएगा अमिश आमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस शीर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? मैं आपको समय दे रहा हूं, कृपया करके कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो स्वजाति का शब्द का विलोम होगा विजाति। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम बताना है क्या हो सकता है। तो अमित शब्द का विलोम हो जाएगा परमिति। सी आंसर हो जाएगा आपका। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का वो बताना है आपका विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इति श्री। नेक्स्ट है, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनी का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धन, यानी कि जो धनी है और उसके पास से सारा पैसा चला जाए, यानी कि धन चला जाए, तो वो निर्धन बन जाएगा। तो यानी धनी का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धन। नेक्स्ट है कि उन्मिलन का विलोम क्या होगा? समय मैं दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊँगा कि इतना समय मैं आपको दूँ जिससे कि आपकी स्पीड कम हो जाए। समय उतना देना चाहिए कि आप आंसर आपके माइंड में तुरंत आ जाए। तो बताइए उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा निमिलीनन। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुलोम शब्द का विलोम होगा? अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? क्या होगा बताइए। कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रतिलोम यानी कि अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। नेक्स्ट है, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी इजी है, बता सकते हैं आप लोग आराम से। विश्राम, जैसे कि उसने परिश्रम बहुत किया और उसको थकावट लगी, तो इसका उल्टा हो गया, यानी कि वो पैसे भी ले रहा है और आराम भी कर रहा है, यानी कि विश्राम भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, विश्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चितरंजन शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। सी नश्वर, यानी कि चितरंजन शब्द का विलोम होगा नश्वर। नेक्स्ट है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? क्या होगा अनुग्रह शब्द का विलोम? विग्रह, डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट है, सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा सौम्य शब्द का विलोम शब्द? उग्र। सत्रहवां क्वेश्चन है कि हास्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो हास्य शब्द का विलोम होगा जाके वृद्धि। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं। अधिक, आंसर हो जाएगा आपका ए। 72 क्वेश्चन है कि पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए क्षीण। नेक्स्ट है, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दोष, यानी कि गुण दोष। 74वां क्वेश्चन है, अनुरुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा विरक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन शब्द का, तो अर्जन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कथित का बताना है कमेंट्स के जरिए आपको क्या हो सकता है कथित का विलोम शब्द। तो कथित का विलोम शब्द हो जाएगा
आकर्षित। आंसर हो जाएगा सी आपका। सत्तर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, कमेंट्स करके बताइए क्या होगा। प्रतिपन्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, बताइए। सी आंसर हो जाएगा अभियुक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाश्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा विग्रह, यानी कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होगा विग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से असली शब्द का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा असली शब्द का विलोम, सलील, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा, नश्वर का, शाश्वत। नेक्स्ट है, कर्कश का विलोम शब्द बताइए, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, मधुर। नेक्स्ट है, विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए कमेंट्स करके, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हास्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हास्य शब्द का, बिहास। नेक्स्ट है, उदंत का विलोम शब्द क्या होगा, तो उदंत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 87 का बी। नेक्स्ट है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। नेक्स्ट है, रुग्ण रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा, रुग्ण शब्द का, स्वस्थ, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चप्पल का विलोम शब्द क्या होगा, गंभीर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विहित का विलोम शब्द क्या होगा, तो बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा, तो विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निश्चित। नेक्स्ट है, महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा, ए हो जाएगा दुरात्मा। नेक्स्ट है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्वाधीन का विलोम शब्द होगा पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत अर्थन शब्द को कहते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप एक बार। विपरीत अर्थन शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, यानी कि आपको इसमें शुक्ल का विलोम शब्द बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी कृष्ण। नेक्स्ट है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट है, मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मुखरता। नेक्स्ट है, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो मधुर का विलोम शब्द होगा कटु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भीक का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्भीक का विलोम शब्द होगा साहसी। सौवां क्वेश्चन है कि अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बयान, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है, सुलभ का उपयुक्त तो विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। दोस्तों अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा अनर्थ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है ये, अर्जन शब्द का विलोम हो जाएगा अनर्थ, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, सुलभ का उपयुक्त विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, सी हो जाएगा, दुष्प्राय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, अनावेशित। नेक्स्ट है, संधि शब्द का विलोम होगा, तो संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उद्यम का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा,
आलस। नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिरूप, यानी कि अनुरूप का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल, यानी कि प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। 107वां क्वेश्चन है अनिवार्य का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन है निवारणी, इच्छित, अनावश्यक, आवश्यक। क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा इच्छित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिरतन का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा नश्वर। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम। आंसर हो जाएगा डी आपका। 110वां क्वेश्चन है ग्रस्त का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का विपरीत अर्थ शब्द होगा मुक्त। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? सबसे लास्ट क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण। आंसर हो जाएगा आपका सी। मैं आप लोगों को एक एडवाइस फिर देने के लिए जा रहा हूँ। आपकी परीक्षा जो है एग्ज़ाम डेट ये ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है। ये परीक्षा 18 जून और 19 जून को हो जाएगी। तो अपनी अपनी कमर कस लें और जो भी तैयारी है उसका रिवीजन करें। अब रटना बंद कर दें क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 13 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ रिवीजन करें, हो सके तो लाइव टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, हो सके तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें ऑनलाइन। मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पर डे 1-2 लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो साइंस का हो या हिंदी का हो। तो लाइव टेस्ट ज़रूर दें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको हर क्वेश्चन याद करने में सफलता हासिल होगी और इससे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये विलोम शब्द का, जिसमें कुल 111 क्वेश्चनों का समावेश किया गया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, देखिए बेल आइकॉन इस टाइप का होता है। जब आप इसे छूते हैं तो ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।